हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट अनु झा और आपने ट्यून किया है झा अनु क्रिएशन। आज मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए स्क्रैच आउटफिट। आजकल मैं थोड़ी स्क्रैच आउटफिट बना रही हूं, जिससे कि कई लोगों के एक्चुअली कमेंट थे और ये चाहते हैं कई लोग कि उनके पास साड़ी का यूज का ऑप्शन नहीं होता है, तो उन्हें जो है कुछ स्क्रैच आउटफिट दिखाया जाए जिससे कि वो आइडिया ले सके। और कई लोगों के पास कई तरह के क्या होता है, कहीं से आया गया सूट जमा हो जाता है, कपड़ा जमा हो जाता है, तो उसका वो क्या करे, ठीक है। और साड़ी का बहुत लोग साड़ी का यूज पसंद भी नहीं करते हैं, या पसंद करते भी हैं तो उनके पास उतनी ऑप्शन नहीं होती है कि हाँ साड़ी को ही हम यूज करें या ये करें, तो उनके लिए इस हिसाब से। और हमें भी काफी कंफर्टेबल होता है स्क्रैच आउटफिट या रनिंग क्लोथ लेके हमें बनाना, या सूट पीस है हमारे पास पर पुराना पड़ा हुआ, मतलब पुराना क्या, लोग आते हैं तो सूट पीस ही देते हैं, हमें सूट ही देते हैं, तो वो सूट जो होता है उसका ये करना। और कई लोगों को रेडीमेड कुर्ते जो है वो बहुत ज्यादा फिटिंग नहीं आते हैं या बहुत पसंद नहीं आते हैं, तो वो सिलवाना पसंद करते हैं। तो इसमें मैंने शुरू किया है कि मैं अब आप लोगों को कुछ स्क्रैच आउटफिट भी दिखाऊंगी। वैसे सारी रिव्यूज भी मैं लाती रहूंगी, तो लेकिन स्क्रैच आउटफिट भी आप लोगों को दिखाऊंगी, और वो भी आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं क्योंकि मैंने उसमें कई तरह के बनाए हैं और कई दिखाए हैं आप लोगों को, और आप लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। इसका आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना प्रोजेक्ट शुरू करती हूँ, इससे पहले आप लोग जो है वो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो लोग भी नए हैं वो लोग जरूर शेयर सब्सक्राइब करें, और पसंद आए कॉमेंट करें, और कॉमेंट में उसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या उसमें चेंजेज हो सकते हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इस तरह का देखना था, या आपको क्या पसंद है, किस तरह के देख रहे हैं आप, साड़ी रिव्यूज ज्यादा पसंद करते हैं, या ये आप कुछ बताएंगे तब तो मैं समझ पाऊंगी ना फ्रेंड्स कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। ये तो मैं अपनी मर्जी से आपको दिखा रही हूँ। कुछ लोगों ने कहा स्क्रैच दिखाइए, तो मैंने स्क्रैच दिखाना शुरू कर दिया। तो आप जब तक बताएंगे नहीं मुझे बहुत अच्छे से कि हाँ मुझे आपको क्या पसंद है एक्चुअल में, तब तक मैं कैसे उस चीज को ये कर पाऊंगी, उसको लेके आ पाऊंगी, उसको प्रोजेक्ट में अपने शामिल कर पाऊंगी। तो थोड़े से आप लोग मुझे उसको उसकी भी आइडिया दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, मैं मार्केट गई थी, तो मैंने दो तीन, मैं जब जाती हूँ तो दो तीन कपड़े इकट्ठा ही ले आती हूँ। तो मुझे ना इस प्रिंट का ये कपड़ा मिल गया था, ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। येलो भी है, ब्राउन भी है, व्हाइट भी है, और ग्रे इस टाइप का भी, इसमें छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग गया था। तो मैंने इसको ले लिया कि हल्के फुल्के पहनने में, मैं जनरली थर्सडे को भी कई लोग जो है ना येलो पहनना पसंद करते हैं, तो येलो इस सेट में भी है और येलो भी नहीं है, ठीक है, तो दोनों ही मिक्स है। तो इसको मैंने ले लिया, और इसको लेके मैंने क्या किया, बिल्कुल ही सिंपल सा, देखिए अभी मैं आजकल एक दो सूट पर सिंपल बना रही हूँ, तो ये देखिए सिंपल सा सूट बनाया। इसमें मैंने नेक पे देखिए इस तरह से एक गोल नेक लेके हल्का सा कट दिया, और यहाँ पे ये वाले लेस को यूज किया, ठीक है, ये वाले लेस को यूज किया, और यहाँ पे मैंने ऐसे, ठीक है, ये पूरी लेंथ की, ये देखिए पूरी ही नीचे तक की लेंथ की मैंने दोनों साइड जो है वो यहाँ से ये वाले लेस को यूज किया, और बाजू को मैंने प्लेन बना के यहाँ से हल्का सा फ्रिल देके दोनों साइड मैंने ये बाजू यूज की है। तो ये बाजू भी बहुत अच्छा लगता है, और बाजू भी ये काफी चलन में है, तो इस वजह से मैं इसे डाल दी, और दोनों ही इस पे व्हाइट का ये किया, तो बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए इसमें भी ये हो गया। अब मैं इसको आपको पूरा, और बैक जो है ना वो पीछे बिल्कुल बैक जो है ना वो सिंपल लिया, ये देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, और स्ट्रेट कुर्ती है फ्रेंड। सबसे ये बड़ी ये बात है कि ये जो है ना वो स्ट्रेट कुर्ती है, ठीक है। इसको मैंने ना ए लाइन में बनाया है, ना कुछ में बनाया है, ये बस 2.5 मीटर का मैंने कपड़ा लिया था, 2.5 मीटर क्लोथ लिया था, और इससे मैंने ये बनाया। तो ये ए लाइन नहीं बनाया, बनाने के लिए 2.5 मीटर में ए लाइन भी बनता है, बट ए लाइन मैंने नहीं इसको बनाया क्योंकि मैं कई ड्रेसेस ए लाइन बना चुकी हूँ। तो इसको मैंने ऐसे बनाया, पहले मैं इस पे चाक पे भी डाल रही थी लेस, लेकिन फिर वो ना किचू यहाँ डाला हुआ था, फिर चाक पे डाल रही थी तो बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। कोई भी चीज जो है ना वो लिमिट में हो तभी अच्छा लगता है, यदि आप लिमिट से उसको क्रॉस कर दीजिए ना तो वो फिर उसका जो है वो गेटअप खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उस गेटअप को बरकरार रखने के लिए मैंने नहीं लिए इसमें, और इसमें बटन की जो पहले मैंने सोचा था कि ग्रे कलर के बटन लगाऊंगी इसमें, लेकिन मैंने ये लगाने के बाद इसकी इतनी खूबसूरती अच्छी आ रही है कि इसमें मुझे बटन की जरूरत नहीं लगी। वैसे आपको लगे तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कभी भविष्य में मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना हो तो मैं भी लगा लूँ, ठीक है। और इसके साथ मैंने बनाया है व्हाइट कलर का सिंपल सा प्लाजो, तो ये मैंने ग्लेस कॉटन का कपड़ा लिया, ग्लेस कॉटन का 2 मीटर का कपड़ा लिया था, और इससे मैंने देखिए ये सिंपल सा प्लाजो बनाया,
ठीक है, ये सिंपल सा ग्लेश कॉटन का है, मैंने इसमें प्लाजो बनाया। तो ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, ये तो इसके लिए तो कोई नहीं, ये तो ऐसे मैंने बनाया, इसके साथ के लिए मैंने बनाया है। और व्हाइट दुपट्टा लीजिए, नेट का दुपट्टा लीजिए, मल्टी कलर दुपट्टा लीजिए, जो आपको इसके साथ लेना है आप उस तरह का ले सकते हैं। तो मैं इसको आपको एक बार हैंगर में डाल के दिखा देती हूँ, अच्छे से फुल लुक दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वियर करके भी दिखाऊंगी। कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है फ्रेंड, बहुत ही सुंदर सा कलर कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको फुल लुक दिख रहा है, ये देखिए, ये मैं पास से भी दिखाऊं, ये देखिए इसका फुल लुक दिख रहा है, बहुत सुंदर सा बनके ये तैयार हुआ है। और अब मैं इसको आपको वियर करके भी दिखाऊंगी, वियर करके दिखाऊंगी तो आपको और सब अच्छे से लगेगा। और दुपट्टा भी इसके साथ आप जो है ना वो व्हाइट और बेस कलर का मिक्स का दुपट्टा है नेट का, उसको ले सकते हैं, प्लेन व्हाइट ले सकते हैं, बिना दुपट्टे का भी आप यूज कर सकते हैं, आप जैसे आपकी मर्जी वैसे आप पहन सकते हैं, क्योंकि नेक मैंने बड़ा नहीं डाला है, नेक में कभी भी बड़ा नहीं डालती हूँ। देखिए ये भी मेरा सॉरी दुपट्टा यूज है, दुपट्टे से मैंने ये वाले ये बना कप्तान बनाए हुए हैं, तो इसमें भी देखिए मैंने कहीं भी नेक जो है ना वो बहुत छोटा सा दिया है, ताकि ऐसे पहन के आराम से, ये देखिए अच्छा सा काफी कंफर्टेबल। और ये तो दुपट्टा यूज भी इस तरह से आप कर सकते हैं, मैंने कई दुपट्टों से इस तरह से कप्तान बना लिया है। तो ये देखिए ये कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड ये कैसा बना सूट जरूर बताइएगा, ये देखिए इस तरह का ये बनके तैयार हुआ है, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये पैनल डालने की वजह से ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत अच्छा निकल के आया है। और बाजू का भी देखिए इस तरह से ये मैंने डाल दिया, तो ये अच्छा लग रहा है, इसे हो रहा आ रहा है। और ये बटन पट्टी पे आपको चाहिए तो आप ग्रे कलर का बटन लगा सकते हैं, यदि किसी को पसंद इस तरह का बनाने के बाद मन हो तो, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे इसमें ही जो डिजाइनिंग है वही बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने नहीं लगाया है। अब मैं आपको इसका फुल लुक दिखाती हूं एक बार। ये देखिए फ्रेंड इसका ये फुल लुक है, फुल लुक में कैसा लग रहा है जरूर बताइए। देखिए अब इसको यदि आप दुपट्टे के साथ लेना चाहते हैं तो मेरे पास देखिए फ्रेंड इस तरह के दुपट्टे हैं, ये व्हाइट भी प्लेन व्हाइट भी है, लेकिन प्लेन व्हाइट से ज्यादा ये इस तरह के दुपट्टे मैं पास से दिखा दूं, इस तरह के दुपट्टे के साथ काम आएगा। ये भी मैंने मीशो से लिया है दुपट्टा, ये भी मेरा मीशो का दुपट्टा लिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए इसके साथ यदि हम लेते हैं तो इसका जो है वो गेटअप काफी अच्छा आ जाता है, क्योंकि इसमें मिक्स सा कलर है ना, ये कलर है इसके साथ, तो ये जो है ना वो इस तरह का आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह के दुपट्टे के साथ इसको, चाहे व्हाइट दुपट्टे प्लेन व्हाइट दुपट्टे के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये देखिए कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आज आजकल वैसा भी थ्रीडी का कलर ये है, आप इसके साथ बेज कलर का भी पहन सकते हैं, प्लाजो जो है ना वो आप इसके साथ बेज कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने व्हाइट किया है क्योंकि व्हाइट का मैंने इसमें सारी डिटेलिंग दे रखी है। और उसके बाद देखिए ये इस तरह से ये दुपट्टे के साथ इस तरह से जा रहा है, ये देखिए इस तरह से दुपट्टे के साथ जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग जो है वो पहले से मेरे फैमिली के फ्रेंड हैं उन लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और मेरे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू, मिलते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और कमेंट करके तो मुझे मस्ट बताइएगा, आप लोगों के कमेंट का मैं बहुत वेट करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ओके थैंक यू, बाय, सी यू।